हेलो एवरीवन, हेलो 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 तुषार, गणेश, गुड इवनिंग, विश्वजीत, हेलो तुषार, हाय आयुषी, हेलो गुड इवनिंग सबाना, हेलो हरीश, हेलो हाय सिंटू, हेलो रघुनाथ, गुड इवनिंग इशिका, गुड इवनिंग तुषार, मस्त है भाई, आप कैसे हो? रूपक, गुड इवनिंग आशुतोष, हेलो अमीशा, हाय यशिका, गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग सिकुन, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग मीनू, गुड इवनिंग संदेश, हाय भाई, गुड इवनिंग हितांशी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो यार, आज थोड़ा लेट शुरू किया। बहुत गर्मी इधर। यस चौधरी संदीप्ति, यार थोड़ा सा स्केड्यूल बिगड़ जाता है ना तो सब प्रॉब्लम हो जाता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट दोस्त। यस जीसी पांडे, नमस्ते जी, गुड इवनिंग प्रिंस यूनिक, हाय। चलो, लास्ट टाइम अपना मैंने जो वर्कशीट नंबर 2, अब तक एक वर्कशीट हम पूरी कर चुके हैं, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की दूसरी वर्कशीट, देखे जाए तो थर्ड वर्कशीट, लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की सेकंड वर्कशीट, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 तक सब क्लियर थे? एक बार सब बोल दो फटाफट, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, सब बोल दो फटाफट। गुड इवनिंग यशिका, यशिका हो गया, यशिका, अच्छा इसके नीचे हो रहा है, हाय। अब हाय आफ्ताब, गुड इवनिंग नितेश, दीवांश, हाय, जीसी पांडे, गुड इवनिंग अर्चिस, यस प्लीज लैपलास ट्रांसफॉर्म, आई एम फ्रॉम ओडिशा, प्लीज लैपलास ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज एंड एलडी पेड कोर्स स्टार्ट करो। यस शरत, मैं बताने वाला हूँ कि मैं बहुत जल्द लैपलास ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज़ और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में न्यूमेरिकल मेथड, इन चारों का एक छोटा सा पेड को स्टार्ट करने वाला हूँ, विथ वेरी नॉमिनल को फीस। थोड़ी फीस रहेगी उसमें, इंटीग्रेशन की तरह नहीं रहेगा वो, एक थोड़ी नॉमिनल फीस रहेगी, लेकिन डिटेल में लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो +2 तक के स्टूडेंट यानी 12th तक के स्टूडेंट इस बात का टेंशन ना ले, जो आगे के कोई आपके स्टूडेंट होंगे, कोई फ्रेंड होंगे, कोई भाई बहन होंगे जो 12th के आगे निकल चुके, इंजीनियरिंग कर रहे, डिप्लोमा कर रहे, बीएससी कर रहे, उनको ये एडवांस मैथ्स आता है, लैपलास फूरियर ये सब चीज़ें, तो यस वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उन लोगों ने सिर्फ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो फॉर लैपलास फूरियर एंड एवरीथिंग। यस हमेशा, येस्टरडे देर वॉज नो क्लास, थोड़ा सा कंटिन्यूटी में मेरे से थोड़ा ये हो रहा है यार, मैं जितना हो सके उतना फटाफट करता हूँ। यस आया था। बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 9 तक सबका क्लियर है? मेरे को एक बार फास्ट सबने बता दो, क्लियर क्लियर क्लियर। यस चौधरी संदीप जी, आप मुझे यहाँ मत बताओ, आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको बताया ना, मेरे व्हाट्सएप पे बताओ, आई एम इंटरेस्टेड। जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल मुझे पिंग करो, मैं बहुत जल्द उसकी एक बैच बनाने वाला हूँ, उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, और मैं बहुत जल्द आपको फीस भी कम्युनिकेट करूँगा व्हाट्सएप पे। यस यस वेरी गुड संतेश कुमार, बिल्कुल सही है। तुषार कुमार, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। सो चलो, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जिन लोगों ने अब फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन को बाय हार्ट कर लिया है, उन लोगों ने समझ लिया होगा कि यार ये तो कॉटेक्स से जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, और ये उसका डेरिवेटिव, बराबर, अच्छा यहाँ उसका डेरिवेटिव नहीं है, ये उसका अच्छा इंटीग्रेशन है, यहाँ हमें कुछ तो भाई जुगाड़ करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा ये, इसका कुछ तो जुगाड़ हमें करना पड़ेगा। यस इसका जुगाड़ क्या होगा, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, और कॉटेक्स को इधर मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूँ, कॉटेक्स को इसके साथ मर्ज कर देता हूँ, तो यस गाइस दिस इज योर फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव डिक्टो ये मिलता है कि नहीं चेक कर लो। सो अगर मैं पुट, आपको पता है जो भी फंक्शन है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो टी, फिर तुरंत आप सब्स्टिट्यूट, आप डिफरेंशिएट मेथड यूज़ करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो साइन एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स है भाई, तो चेन रूल आपको क्या बोलता है, पहले लॉग का, लॉग बोलता है मेरा जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लो, सो 1 बाय साइन एक्स,
वन बाय साइन एक्स इन टू, वो अभी भी रुकता नहीं है, वो बोलते डिमांड कर रहा है, वो लॉग बोल रहा है मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लो और बाद में मेरे फंक्शन का क्या लो, डेरिवेटिव भी ले लो, मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी ले लो, ठीक है। सो देखो उसका फंक्शन है साइन, उसका रेसिप्रोकल और साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो दोस्तों कॉस अपॉन साइन हो गया ये, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉटेक्स, dx इधर आया मल्टीप्लाई कर दिया dt तो हो गया। यहां देखो अब cot x dx हो गया dt और ये हो गया t, खेल खत्म। तो t इंटू डी टी, सो इसका इंटीग्रेशन t रेस टू वन प्लस वन यानी टू अपॉन टू प्लस सी, खत्म। और सो t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x लेकिन उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यस। और ये लगभग संदेश कुमार और किसने, तुषार कुमार ने, आप दोनों ने बिल्कुल सही आंसर कहा है। सो वेरी नाइस गाइज, सुपर्ब, कीप इट अप। नितेश कुमार पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप, यहां मत बोलो भाई, मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो बस, जो लोग इंटरेस्टेड है। सेवंथ वाला बता दूं संदेश, सेवंथ वाला लास्ट लेक्चर में तो बताया था यार मैंने, हाँ सेवंथ वाला नहीं बताया था, चलो देख लो, सेवंथ वाला बताया था, नहीं है बताया था, अच्छा आई थिंक लास्ट लेक्चर हमारा सेवंथ पे अटक गया था क्या, तो मतलब एट्थ और नाइन्थ भी रहा होगा। चलो मैं सब बता देता हूँ फिर, सेवंथ से स्टार्ट करता हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट लेक्चर हमारा जो हमारा क्वेश्चन बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा था वो कौन सा था, सेवंथ था, जो हमारा क्वेश्चन बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा था वो सेवंथ वाला था क्या, और अगर सेवंथ वाला होगा तो फिर तो उस नाते हमारा एट्थ भी रहा है नाइन्थ भी रहा है, ये तो हमने डायरेक्ट अभी कौन सा क्वेश्चन देखा, ये हमने डायरेक्ट टेंथ वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है सेवंथ से स्टार्ट करते दोस्त। अंशु हाय, सो गाइज देख लो सेवंथ लास्ट टाइम जो सेवंथ क्वेश्चन पे सब कबाड़ा हो गया था नेटवर्क का, अब उसको हम क्लियर करते दोस्तों। सो चलो अब यहाँ पर भी गाइज अगर देखो मैं कॉस ऑफ रूट एक्स को अलग करूँ रे, वन बाय रूट एक्स को डी एक्स के साथ मर्ज कर दूँ, खत्म खेल मिस्टर संदेश कुमार, खेल खत्म। कॉस ऑफ रूट एक्स इधर आया, वन बाय रूट एक्स डी एक्स इधर आया, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ वो फंक्शन कौन सा है जिसका डेरिवेटिव आपके पास है, तो रूट एक्स, पूरा कॉस ऑफ रूट एक्स नहीं ओनली रूट एक्स, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। सो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वन बाय रूट एक्स चाहिए, कोई बात नहीं कॉन्स्टेंट तो हम एडजस्ट करने में माहिर है। सो वन बाय रूट एक्स एज इट इज, डी एक्स इधर आया उसको मर्ज हो गया मल्टीप्लाई हो गया और टू जो यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो टू डी टी, टू डी टी, ठीक है। सो गाइज मुझे बता दो कॉस ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स की जगह टी आ गया, वन बाय रूट एक्स डी एक्स की जगह टू डी टी आ गया, सो खेल खत्म। देख लो आंसर आपका कॉस टी, कॉस टी और इसके जगह हो गया टू डी टी इंटू टू डी टी, अब टू क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन को अटैच, उसको बाहर ले लो, कॉस टी डी टी, अब कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन इज जस्ट साइन टी, याद रहे डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है बट इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ लो। सो इसका टू तो एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी अपॉन टी का डिफरेंशिएशन यानी जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो वन ही आएगा, नहीं भी लिखा तो चलेगा बट आदत डालो, बस मैं वही बोल रहा हूँ बार बार अपने दिमाग को बोलने की आदत डालो, अपॉन अपॉन, ठीक है। सो टू साइन, खेल खत्म, टू साइन वैल्यू रख दो किसकी, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ये रहा आपका आंसर गाइज, दिस इज योर आंसर गाइज। आई थिंक सिक्स क्वेश्चन पे हमारा कबाड़ा हुआ था लास्ट टाइम, अब मुझे याद आ रहा है, यस परफेक्ट यूनिक रूपक सिंह बिल्कुल सही है दोस्त, यस गणेश सेवन वाला बता दिया, अमीशा सेवन वाला बता दिया, सेवन से स्टार्ट कर दिया, यस चलो सिक्स हुआ था, अब मुझे याद आया यार, ऐसा होता है गजनी बन गया है मेरा भी अब।
इतनी चीजें चलती है दिन भर, भूल जाता हूँ। चलो गुड 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 गुड। सो इसके बाद ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन 2x इंटू कॉस 2x। देखते ही आपको समझ गया होगा, देखते ही समझ गया होगा, साइन का डेरिवेटिव भी कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव भी साइन होता है, माइनस माइनस हम निपट लेंगे, देख लेंगे। लेकिन 100% किसको सब्सटीट्यूट करो, किसके जगह पुट दैट इज इक्वल टू t लिखो जो रूट में है। क्योंकि देखो कॉस 2x को dx के साथ मर्ज करना इजी होगा, साइन को मर्ज करना टफ हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑलरेडी रूट के अंदर जाके फंस चुका है, बराबर। तो इसलिए साइन को फंक्शन मानो और उसका जो डेरिवेटिव है खुला पंछी आजाद कॉस 2x, वो क्या हो गया उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे पुट साइन 2x इज इक्वल टू t, बराबर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जो एंगल है एज इट इज, एंगल भूलना नहीं है, सो जो एंगल है एज इट इज इन टू, अभी भी हुआ थोड़ी है, साइन का कॉस, जो एंगल है एज इट इज इन टू एंगल का डेरिवेटिव, चेन रूल, सो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और t का dt by dx, ठीक है। सो अब देखो ये cos 2x एज इट इज, ये dx इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 एक्स्ट्रा इधर है ना, ये cos 2x एक अलग टर्म है, ये 2 एक अलग है, सो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इधर गया, डिवाइड हो जाएगा, यानी dt by 2 हो गया। मुझे बताओ अब ये sin 2x के जगह आ गया t, और ये cos 2x dx के जगह आ गया dt by 2, खेल खत्म। अब इसके बाद जो बचा है एकदम बच्चों वाली बातें बची है। सो रूट, रूट तो एज इट इज, रूट मत खा जाना टी, एंड ये cos 2x dx हो गया dt by 2, अगेन 1/2 कांस्टेंट है, बट आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, सो 1/2 रूट dt, और रूट टी मतलब ही क्या होता है, इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख लो पावर के फॉर्म में, t रेस टू 1/2, तो हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, t का आपको यानी पावर का इंटीग्रेशन लेना है, सो t रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, खत्म, प्लस सी। सो 1/2 एज इट इज, t रेस टू 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 प्लस सी, ये 3/2 जो है फ्रैक्शन ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 एंड टी रेस टू 3/2 प्लस सी। सो 2 से 2 कट गया 1/3, और टी मतलब ही है साइन 2x, टी मतलब ही है साइन 2x रेस टू 3/2 प्लस सी, खत्म। लिख लो फटाफट, लिख लो, कोई डाउट मत रखना दिल में, जो भी है पूछो। चलो कोई डाउट किसी को, अरे नहीं भाई अंशु ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट ऐसा नहीं है हर कोई है, लेजेंड कोई नहीं यार। परफेक्ट गाइस, चलो नाइस यार। सो तुषार आपका आंसर रॉन्ग हो गया है, तो उसको करेक्ट कर लो, उसको करेक्ट कर लो, आपने बस 1/2 खा लिया, आपकी गलती क्या हुई तुषार, आपने 1/2 खा लिया, बाकी तो सब सही है। चलो नेक्स्ट है, अगेन इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सो अब क्या करोगे फिर से, अगेन आपको पता है ऐसे केस में हमेशा जो रूट वाला फंक्शन होता है ना वो जरा कबाब में हड्डी होता है, वो थोड़ा टैकल करना इजी होता है, उस सॉरी टफ होता है, उसको आप dx के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। सो बेटर वे ऐसे केस में आप उसी को t बोलो तो ज्यादा सही रहेगा। सो ये क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√1 + sin x, ठीक है, और cos x को dx के साथ मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि अब डेरिवेटिव में इतनी एक्सपर्टाइज आपको आ जानी चाहिए कि कौन फंक्शन और तुरंत उसका डेरिवेटिव क्या है, ये मन ही मन आ जाना चाहिए। यहाँ हम फॉर्मेलिटी के लिए दिखाने वाले हैं, बट ये दिखाने से पहले मन ही मन क्लियर तो कर लो कि यार हाँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हिट होने वाला है,
सक्सेसफुल होने वाला है, और बस शुरू कर दो फिर। पुट वन प्लस, क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा रूट नहीं, रूट के अंदर जो इक्वेशन है पूरा वन प्लस साइन एक्स को मैं टी बोल देता हूँ। जैसे इसको मैंने टी बोला, अगला काम हमें पता है डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो जीरो प्लस कॉस एक्स डी एक्स इधर आके मर्ज हो गया और इधर बचा डी टी, ठीक है। सो हो गया, देखो वन अपॉन ये पूरा इक्वेशन रूट के अंदर टी हो गया एंड कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया। सो देख लो इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट को खाना नहीं, अगेन रूट टी और ये डी टी हो गया। सो इसी को आप क्या लिख सकते हो, रूट टी को टी रेस टू वन बाई टू, टी रेस टू वन बाई टू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो आपको अब ये चीज़ भी काफ़ी बार देख चुके हो, जो पावर है उसका साइन बदल जाएगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और बस इसका इंटीग्रेशन ले लो। सो टी रेस टू, पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर प्लस वन अपॉन पावर प्लस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी वन ही आएगा। सो पावर है वन बाई टू प्लस वन, नीचे भी पावर है वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन, नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो वन माइनस वन बाई टू, एक में से हाफ गया बचा हाफ, एक में से हाफ गया बचा हाफ, और नीचे भी बचा हाफ प्लस सी, ठीक है। सो जो हाफ है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा टू बाय वन, ये वन बाय टू ऊपर जाके टू बाय वन हो गया, टी रेस टू वन बाय टू प्लस सी। बस ये टू अपॉन वन मतलब ही टू होता है, और टी की वैल्यू फिर से रख दो दोस्तों, टी की वैल्यू है वन प्लस साइन एक्स रेस टू वन बाय टू प्लस सी प्लस सी। बोलो बोलो बोलो, कोई भी डाउट? परफेक्ट है गणेश, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल संदेश, टू अपॉन नहीं आएगा यार, टू अपॉन नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है, माइनस थोड़ी है। तो आपको अगर रूट देना भी तो यहां दो, मतलब टू इंटू रूट वन प्लस साइन एक्स, आपको अगर रूट देना भी है ना तो वही दो न्यूमरेटर में, उसको अपॉन में क्यों लिया, अपॉन में कब लेते अगर ये माइनस होती पावर, माइनस वन बाय टू होता, लेकिन वन माइनस वन बाय टू इज प्लस वन बाय टू होता है दोस्त, तो ये प्लस है, तो ये रूट में जो भी है न्यूमरेटर में, अपॉन में नहीं है, ठीक है संदेश। यस आशुतोष, सॉरी यार मैं अगर भूल गया होगा ना तो मैं पहले वाले शीट सेंड कर देता हूँ ग्रुप में आज, याद से कर देता हूँ, बिल्कुल। चलो गाइज, और कोई डाउट है अभी तक? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th, और 10th तो हमने कर लिया है, बराबर 10th क्वेश्चन तो हमने कर लिया है आज, हमने शुरुआत ही इनफैक्ट 10th क्वेश्चन से की है। सो अब डायरेक्ट लो जंप 11th क्वेश्चन पे। देखो कंसेप्ट क्लियर है ना, एक बार प्रोसेस क्लियर है, मेन डेरिवेटिव का नॉलेज अगर आपको क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है, कभी भी अटकोगे नहीं आप इंटीग्रेशन में, ना यहाँ अटकोगे ना आगे आने वाली कोई भी मेथड में अटकोगे। और दोस्तों अगर आपने कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आगे कोई भी आप ग्रेजुएशन कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन साइंस वालों ने खासकर, उनको यार ये चीज़ें आखिरी तक लगेगी, ठीक है आखिरी तक। एडवांस मैथ्स बट हर जगह ही इनका बेसिक काम आएगा, कैलकुलस का ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, आगे कभी मैथ्स से टेंशन नहीं आएगा। चलो नाइस गुड, यस समीर चौहान बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। अरे क्वेश्चन नंबर 11 मतलब यही क्वेश्चन है बस, उसने रूट हटा दिया, हम पर एक और एहसान कर दिया, और जो इक्वेशन में साइन था और ऊपर कॉस था, अब ये उल्टा हो गया है, अब इक्वेशन में कॉस है ऊपर साइन है। तो जनरली आपको पता है हम हमेशा नीचे वाले को फंक्शन लेते हैं, उसके ऊपर वाले को उसका डेरिवेटिव, याद है ना मैंने आपसे कहा, एक तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को, और अगर डिवीजन में करना है तो हमेशा डिनोमिनेटर वाले को फंक्शन बोलो, उसके डेरिवेटिव को न्यूमरेटर दे दो, ऊपर दे दो, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को डी एक्स के साथ मर्ज कर देता हूँ। अब पुट ये पूरा इक्वेशन हम रख देंगे टी, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस का माइनस साइन होता है, टी का डी टी बाई डी एक्स, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस जीरो तो छोड़ दो बट प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन एक्स, डी एक्स इधर आ गया इज इक्वल टू डी टी। अब माइनस नहीं चाहिए ना आपको, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है तो कोई बात नहीं, माइनस साइन एडजस्ट कर लो, अब एडजस्टमेंट में जुगाड़ करने में तो आप एकदम अब एक्सपर्ट हो चुके हो। सो माइनस डी टी, सो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, हो गया खेल खत्म। इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स हो गया टी, और ये पूरा हो गया माइनस डी टी। अब जो कि माइनस साइन का अंदर कोई काम नहीं उसको बाहर ले लो, सो वन बाय टी डी टी, ये हो गया लॉग टी प्लस सी, और बस माइनस लॉग एज इट इज टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो गाइज दिस इज योर आंसर, ये रहा आपका आंसर। तेरा यार हूँ मैं, चलो कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस शानदार, क्या बात है, बिल्कुल सही। संदेश, अमीशा, कन्नू, प्रिया, रूपक सिंह, गणेश, तुषार, सिंटू कुमार, आशुतोष, वेरी नाइस, चलो गुड गुड गुड। विश्वजीत, चलो गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 था, नाउ क्वेश्चन नंबर, अरे यार मतलब ये तो मजा ले रहा है अपनी, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम अजम्पशन। फिर से आप क्या करोगे, वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सो डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है जीरो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स होगा, फिर से जीरो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता बट प्लस माइनस, माइनस साइन एक्स और डी एक्स इधर आ गया इज इक्वल टू डी टी। बट आपको अगेन क्या चाहिए, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं वही हम यहाँ कर रहे हैं, जो चीज़ डेरिवेटिव आने वाली है उसको हम डी एक्स के साथ मर्ज कर देते हैं, क्योंकि हमेशा डी एक्स किसको लग जाता है यहाँ पे, उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन को, ठीक है। सो वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इन टू साइन एक्स डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं मतलब डी एक्स होता ही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही होता है, तो डोंट वरी डी एक्स यहाँ हमेशा होगा, दिया हो चाहे ना दिया हो डी एक्स होगा ही होगा, ठीक है। सो साइन एक्स डी एक्स, नाउ ये हो गया आपके लिए, बट आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए निगेटिव, सो माइनस साइन को कर दो उधर सेटल, हो गया। सो माइनस डी टी, अब देखो वन अपॉन ये पूरा इक्वेशन क्या है, टी उसका स्क्वायर है लेकिन, और ये पूरा हो गया डी टी, अब बस टी स्क्वायर ऊपर जाके अगेन सेम चीज़ ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है उसका साइन बदल जाएगा, नीचे प्लस टू था ऊपर माइनस टू हो गया इंटू डी टी, और फिर से पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करो, टी रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, यानी टी रेस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है। और अब एक इसको चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फिर से जैसे आपने ऊपर गया रिसिप्रोकल लेते हो तो पावर बदल गई ना, पावर का साइन बदल गया, पावर बदल गया मतलब सिर्फ उसका साइन बदला, तो यहाँ पर भी ये निगेटिव है, अगर मैं उसको नीचे ले लूँ तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, वन अपॉन टी का जो टर्म है उसको मैं नीचे ले रहा हूँ तो नीचे जो माइनस है उसको मैं ऊपर दे देता हूँ, या फिर नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वन बराबर ये माइनस वन एज इट इज़, सो ये वन अपॉन माइनस वन तो डिक्टो एज इट इज़ ये टी रेस टू माइनस वन नीचे आएगा, सो टी रेस टू माइनस वन नीचे आके क्या हो जाएगा, टी रेस टू प्लस वन। सो फाइनल आंसर क्या है आपका, वन अपॉन माइनस वन टी, माइनस वन टी मतलब ही माइनस टी है तो ये माइनस साइन ऊपर भी दे सकते हो, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस वन इंटू टी यानी माइनस टी होता है ना, तो माइनस टी डिनोमिनेटर पे तो या न्यूमरेटर को चलता है, सो माइनस वन अपॉन टी, सो माइनस वन अपॉन आखिरी में बस टी की वैल्यू रख दो, वन प्लस कॉस एक्स
प्लस सी, बस टी की वैल्यू रखनी थी आपने, हो गया। सो माइनस माइनस कहा गया हितांशी, माइनस कहा गया हितांशी, माइनस वन प्लस कॉस एक्स रेस टू माइनस वन, यस नितेश कुमार, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ यार देखो, मैंने माइनस साइन खा लिया, मतलब ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, माइनस साइन मत खाओ मत खाओ मत खाओ, पर भूख मुझे लगी है, मैंने खा लिया। सो यहाँ पे देखो, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज माइनस डी टी, किसने मुझे याद दी? मुझे याद दी है आशुतोष ने सबसे पहले, ओके थैंक यू आशुतोष। सो माइनस डी टी, तो ये माइनस साइन तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं ना, तो ये बाहर रहा, ये बाहर रहा, ये बाहर रहा, तो यहाँ का माइनस और माइनस कैंसिल। ये सीतांशी आप बिल्कुल सही थे। सो यहाँ का माइनस और माइनस कैंसिल हो गया ना, और जो कि माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो खेल ही खत्म हो गया फिर तो। माइनस, ये फिर से बता रहा हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है? माइनस डी टी है। सो माइनस साइन बाहर आ गया बराबर। सो ये माइनस, अगेन ये माइनस टू प्लस वन एज इट इज़, ये माइनस बराबर, और ये माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो ये क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास अगर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, टी रेस टू माइनस वन अपॉन वन, अपॉन वन अब नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि वो प्लस वन है ना, तो अपॉन प्लस वन होता ही है। और अब इसको फिर आप कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन, यहाँ इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन इसका, यहाँ कुछ नहीं मतलब अपॉन वन है ना, सो रेसिप्रोकल अगर ले लो, रेसिप्रोकल ले लो या टी रेस टू माइनस वन को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दो तो ये पावर का साइन बदल जाएगा। सो ये टी रेस टू प्लस वन, और ये जो माइनस साइन दिया है वो गलती से ये भी गलती से। सो टी रेस टू, ये जो है इसका रेसिप्रोकल, ये या टी रेस टू माइनस वन नीचे आ गया तो ये हो गया टी रेस टू प्लस वन, तो ऊपर बचा वन अपॉन टी रेस टू प्लस वन, और प्लस वन नहीं भी लिखा तो चलेगा, टी की वैल्यू लिख दी। सो आई थिंक हितांशी ने बिल्कुल सही आंसर कहा, हितांशी ने बिल्कुल सही आंसर कहा। यस निगेटिव नहीं आएगा नितेश कुमार, निगेटिव नहीं आएगा। अंजलि ने भी बिल्कुल सही आंसर कहा है, वेरी गुड अंजलि। समीर निगेटिव नहीं आएगा, अपनी मिस्टेक सुधार दो। गणेश बिल्कुल सही है, आशुतोष वेरी नाइस, तुषार बहुत बढ़िया, यस संदेश माइनस डी टी, थैंक यू इशिका। यस यस माइनस डी टी, माइनस डी टी, यस यस तुषार करेक्ट। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसका आंसर आया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बाय द वे रूट टेन एक्स, अरे वाह मस्त क्वेश्चन है, अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ इसका आंसर आया किसी का? नहीं आया संदेश, ओके। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आज बहुत गर्मा से यार, टू रूट टेन एक्स, क्या बात है अमीशा, वेरी नाइस अमीशा। चलो देखो, ध्यान देना, अब सबसे पहले यार आपको डायरेक्ट यहां साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स दिख रहा है, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स दिख रहा है, पर बीच में कबाब में हड्डी भी है ना टेन, तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस वाला कंसेप्ट तो फेल हुआ, लॉजिक तो फेल हुआ बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर आप सोचोगे यार क्या कर सकते, टैन है यार, टैन का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर होता है, टैन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, हमारे पास sec स्क्वायर तो है नहीं, हाँ लेकिन हमारे पास यहाँ cos डिनोमिनेटर में मतलब वन अपॉन cos है, वन अपॉन cos यानी एक sec है हमारे पास, पर sec स्क्वायर नहीं है, फिर से फेल।
मतलब इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन रखना एक दूसरे के साथ नहीं जमेगा, टैन अकेला बच जाएगा। और आपको पता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सारा की सारा एक्स या टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ज़रूरी है। टैन के फॉर्म में रखोगे तो सेक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ एडजस्टमेंट पहले कर ले। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो अगर सेम चीज़ अगर आप न्यूमरेटर के साथ भी कर रहे हो डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहे हो तो इट इज़ वैलिड, क्योंकि देखो एट द एंड क्या होगा, आपने न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी, एट द एंड क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, मतलब आपका आंसर यानी कि वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन जो कीते हो एज इट इज़, उससे रत्ती भर भी फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि एट द एंड आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे ना, खेल खत्म। तो उससे फाइनल आंसर पे या ओरिजिनल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। कैसे हमारा पर्पस कैसे सॉल्व हुआ मुझे बताओ। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है, आप कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस ना, टू स्क्वायर मतलब टू इंटू टू, फोर स्क्वायर यानी फोर इंटू फोर। उसी तरह कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नीचे वाले, नीचे वाले। तो मुझे बताओ ये देखो ये क्या हो गया, ऊपर रूट टेन एक्स एज इट इज इंटू ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन अपॉन ये कॉस एक्स कैंसिल, और ये साइन अपॉन कॉस का कंटूर क्या हो गया, टेन एक्स डी एक्स। बात को समझ रहे हो आप, रूट टेन एक्स एज इट इज, सिर्फ इसको अपॉन को मैंने इधर लिख दिया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन ये कॉस कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था तो एक कॉस ने एक कॉस को उड़ा दिया, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स। सो गाइज देखो अब कितना शानदार टेन एक्स एज इट इज, और ये क्या है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब ही होता है सेक स्क्वायर, वन अपॉन कॉस इज सेक, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सो डी एक्स। और अब मुझे बताओ, दिमाग की बत्ती जली, फंक्शन टेन एक्स उसके जगह टी टी आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, खेल खत्म, खेल खत्म। सो अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, मुझे बताओ रूट टेन एक्स और ये भी टेन है तो उसको अगर वो डिवाइड करेगा तो रूट टेन एक्स आएगा, या फिर आपको चलो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन यूज़ करो यार, टी टी के साथ करेंगे हम वो। सो पुट सिंपल है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखना था, यहाँ इन दोनों का दिख रहा था आपस में टेन, कबाब में हड्डी था, टेन का अगर देखो तो sec स्क्वायर नहीं था तो हमने sec स्क्वायर को जन्म दिया, उसको हमने क्रिएट किया ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके, तो नीचे का भी पर्पस सॉल्व हो गया, ऊपर सेक्स स्क्वायर बन गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर, ये कॉस कॉस कैंसिल, ये एक ही फंक्शन है टैन टैन। सो पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा जानता है सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी। अब देख लो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना हो गया डी टी, रूट में है भूलना नहीं है, रूट टी अपॉन ये भी क्या है टी, टेन एक्स इज टी, तो यहाँ आ गया टी, यहाँ आ गया रूट टी और ये हो गया डी टी। और बस अब मुझे बताओ ये क्या है, रूट टी मतलब ही टी रेस टू वन बाई टू अपॉन टी रेस टू वन, रूट टी मतलब टी रेस टू वन बाई टू, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब वन है डी टी, और लॉ ऑफ इंडाइसेस आपने देखा है ना, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन कैन बी रिटन एज ए रेस टू एम माइनस एन। जब भी दोनों का बेस सेम हो तो कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट करो, वही हमने किया, दोनों का बेस सेम है टी टी तो सेम टी को लेकर सेम बेस को लेकर पावर को सब्ट्रैक्ट, तो वन बाई टू माइनस वन, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है ना, सो टी अपॉन टी की जगह सिंगल टी लिखो और इन दोनों पावर का सब्ट्रैक्शन, वन बाई टू माइनस वन क्या होता है, हाफ में से एक गया बचा माइनस हाफ, बराबर ना, वन बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू, सो माइनस वन बाई टू डी टी। ये बना आपका फाइनल फंक्शन अंडर इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेट आपको करना है। और इसको इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे आप बाय यूजिंग वो पावर वाला फॉर्मूला एक्स रेस टू एन, सो टी रेस टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन वन नहीं भी लिखा तो चलेगा प्लस सी, अगेन वन माइनस हाफ, जैसे हाफ माइनस वन ये माइनस वन बाई टू होता है, सो वन माइनस हाफ ये प्लस वन बाई टू होगा, ये भी प्लस वन बाई टू होगा प्लस सी, अगेन वन बाई टू ऊपर गया तो टू बाय वन हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो टू बाय वन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टू भी लिखा तो चलेगा, हो गया। और लास्ट में टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है टेन एक्स, है ना, ये देखो
टी रेस टू वन बाई टू मतलब क्या है, रूट टी प्लस सी, सो रूट टेन एक्स। तो अमीशा बिल्कुल सही आंसर कहा था आपने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहाँ गया यार मोबाइल? क्लियर है? क्लियर है? मंदवी मिश्रा, यस मैंने कहा ना, मैं ये लेक्चर के बाद वो ये तीसरी वर्कशीट है ना, तो पुराने दो और ये एक तीसरी, तीनों मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? मेंशन करो दोस्तों फटाफट, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चक दे चक दे चक दे। सिंपल था, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था तो उसको क्रिएट करो, वो अब आपको सीखना पड़ेगा ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑपरेशंस। तो आपको पता था टैन का लाने के लिए, टैन का लाने के लिए आपने क्या किया, सेक्स स्क्वायर, ठीक है? सो आपने क्या किया, टैन इसका डेरिवेटिव, तो सेक्स स्क्वायर लाने के लिए कॉस स्क्वायर लाना जरूरी डिनोमिनेटर में, सो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, नीचे तो फंक्शन बन गया, तो ये पूरा फंक्शन बन गया इंटू उसका डेरिवेटिव, सो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव का फॉर्म आ गया। चलो गुड 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 गाइज, गुड गुड नाइस। कोई भी डाउट होगा पूछो, कोई भी डाउट होगा पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब आपको दिख ही रहा है यार फंक्शन कौन है यहाँ पे, 1 + log x, उसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 होगा, log x का 1/x, खेल खत्म। सिर्फ उसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 + log x का होल स्क्वायर, ये 1/x को इधर लिख लेता हूँ dx के साथ, सो 1 + log x इज t, डेरिवेटिव लेते हैं सो इसका 0 और log x का 1/x इज dt/dx, सो ये 1/x एज इट इज, साथ में dx भी मर्ज हो गया इज dt, तो इसके जगह आ गया dt और इसके जगह आ गया t, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। सो इंटीग्रेशन 1 + log x यानी टी का स्क्वायर इंटू डी टी, सो ये हो गया टी का पावर प्लस वन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, टी क्यूब बाई क्यूब मतलब 3 प्लस सी, सो टी की वैल्यू रख दो 1 + log x, 1 + log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। भले ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था उस वजह से। चलो यस वेरी गुड। अमीशा एक चीज़ हो गई गलत, आपने ब्रैकेट क्यूब दिया है, वो ब्रैकेट क्यूब नहीं है, वो सिर्फ 1 + log x का क्यूब है अपॉन 3 इंडिपेंडेंट है। आपने जो ब्रैकेट क्यूब दिया है उस वजह से वो 3 का भी क्यूब हो जाएगा यानी 27, तो केस फेल हो रही है ना, फिर रॉन्ग हो रहा है। आपको सिर्फ टी के जगह 1 + log x रखना है, ये t का क्यूब है, सो t 1 + log x उसका क्यूब अपॉन 3, तो जो कहते हो एज इट इज। क्लियर है किसना? हाँ अमीशा क्लियर है, यस गणेश कुमार बिल्कुल सही है दोस्त। अरे मेरे दोस्त नितेश ये क्या कर दिया, स्क्वायर कहाँ से आया भाई, क्यूब आएगा ना, स्क्वायर तो ऑलरेडी इधर है प्लस वन दोस्त, तो क्यूब क्यूब अपॉन 3 आएगा। ठीक है नितेश अपनी गलती सुधारो और बाकियों ने अगला क्वेश्चन देखो। चलो बताओ इसका आंसर क्या आया, x + 1, बहुत आसान क्वेश्चन है भी, x + log x² यार आसान, अब इसलिए क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट अब समझ गया है।
चलो कैंसर आया 2 tan x raised to 1/2। ओके गणेश, टैन कहाँ से लाया यार, पहली बात तो ये मुझे समझाओ, टैन लाया कहाँ से। यस अमीशा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है अमीशा, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं चौधरी संदीप जी, मैंने कहा ना दिल से आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना कि आपने कर लिया है और आंसर मैच हो रहा है, सो खुश रहो, बल्ले बल्ले। चलो गाइज, ये अगेन देखो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिया। मैं इसको अगेन फिर से क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ये अलग रखता हूँ फंक्शन को, और ये जो डेरिवेटिव है ना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डीएक्स, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इधर उधर अदला बदली किया है। एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटू ये लिखो, 2 × 5 लिखो या 5 × 2 लिखो, एक ही बात है। सो ये एज इट इज इंटू ये फंक्शन अपॉन एक्स। अब देखो अगर मैं एक्स प्लस लॉग एक्स के जगह टी कर दूं तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस टी का डेरिवेटिव dt/dx। अब आप बोलोगे सर लेकिन ठीक है इसके जगह तो टी आ जाएगा, इसके जगह टी स्क्वायर, लेकिन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, हमारे पास तो 1/1 + x² है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम की चीज़ सीखी होगी ना कभी, तो वो कर लो, यहाँ 1 अपॉन कुछ नहीं मतलब भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 × x x प्लस 1 × 1 1 अपॉन x × 1 x हो गया, ये आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन x, और डी एक्स यहाँ चिपका दो dt, डी एक्स यहाँ चिपका दिया dt। सो देखो ये पूरा हमें मिल गया dt, ये पूरा मिल गया t, और उसका स्क्वायर है, सो t² dt जो कि होता है t² + 1 3/3 + c, और फिर से t की वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब, एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 + c, अपॉन 3 + c। यस परफेक्ट है नितेश, हितांशी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नाइस। यस 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 संदेश, आप भी सही हो यार, एक ऊपर नहीं देखा तो क्या है, सही हो ना आप, टेंशन नहीं। बताओ आप, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अगेन रत्ती भर भी डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, फुकट की हवा करने वाला क्वेश्चन है ये, जबरदस्ती इतना बड़ा दिख रहा है जिसमें साइन भी दिख रहा है, टैन इनवर्स भी दिख रहा है, अलजेब्रिक भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, ये बड़ी बड़ी पावर दिख रही है, लेकिन हलवा क्वेश्चन है, रत्ती भर भी डरना नहीं है यहाँ पे। अगेन बस आपको एक सूझबूझ लगानी है कि साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ टैन इनवर्स x^4, टैन इनवर्स किसका है, देखो साइन के अंदर ये है पूरा, ये पूरा साइन के अंदर है, यानी ये पूरा साइन का एंगल आप उसको बोल सकते हो, साइन के अंदर हमेशा क्या होता है एंगल थीटा, ठीक है, तो इस बार वो थीटा ही क्या है, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स भी एक्स का नहीं है, टैन इनवर्स ऑफ x^4 अपॉन 1 + x^8। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन टैन इनवर्स x^4 इंटू एक्स क्यूब बराबर ना, अगेन 5 × 2 लिखो या 2 × 5 लिखो एक ही बात है, तो मैंने अदला बदली कर दी, अपॉन 1 + x^8 इसको ही चिपका देता हूँ, अपॉन 1 + x^8 इसको ही चिपका देता हूँ इंटू डी एक्स। सो गाइज 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 ये अगर आप टी लो ना तो टैन इनवर्स x^4 का डेरिवेटिव आपको डिक्टो यही मिलेगा, बस एक थॉट देने की जरूरत थी, और नहीं थॉट आ रहा है तो एटलीस्ट रफ में एक बार ट्राई करने की जरूरत थी। मैंने कहा ना अननेसेसरी हलवा क्वेश्चन है ये, बट दिखावा ज्यादा है, सब चीजें दिख रही है, डर आ रहा है स्टूडेंट को, अरे बाप रे क्या क्वेश्चन है, ट्रिक
ट्रिग्नोमेट्री भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, अलजेब्रिक हलवा क्वेश्चन, मतलब कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी आपको। वो तो भी एक क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था ऊपर नीचे, वहाँ तो भी कुछ सोचने की जरूरत थी, यहाँ तो सीधा दिख रहा है। अगर आप इसको फंक्शन मान लो, साइन ऑफ पूरे इसको नहीं है, साइन को फिलहाल इग्नोर करो, साइन का जो एंगल है उसको फंक्शन मान लो, ये उसका डेरिवेटिव देख लो। पुट टैन इनवर्स एक्स रेस टू फोर इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब देखो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था दोस्तों मैंने, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस जो भी टैन इनवर्स है, मतलब जिसका भी टैन इनवर्स दिया है उसका स्क्वायर। इसलिए मैं कभी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने नहीं बोलूंगा, कभी नहीं, स्ट्रक्चर वाइज याद रखो। स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, अच्छा टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई ये रट्टाबाजी होगी, रट्टूगिरी होगी, ये फंसाएगी, क्योंकि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये उसका फॉर्मूला है ही नहीं। वो तो तब होगा जब वहाँ एक्स हो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा लेकिन हर बार थोड़ी। अगर यहाँ एक्स है इसलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई होता तो वाई स्क्वायर, यहाँ इस बार क्या है एक्स रेस टू फोर है, तो जो भी थीटा यहाँ पे है ना, या जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसका स्क्वायर इंटू इंटू, अगेन ये खत्म थोड़ी हुआ है ना, चेन रूल तो भाई डेरिवेटिव की जान है। सो वन अपॉन वन प्लस क्या सीखा है हमने, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, वन अपॉन वन प्लस जिसका भी टैन इनवर्स है उसका स्क्वायर, जिसका भी टैन इनवर्स है उसका स्क्वायर। एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा तो उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर, एक्स रेस टू फोर होगा तो उसका स्क्वायर, इनटू जिसका भी टैन इनवर्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसका भी टैन इनवर्स है किसका है एक्स का, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आया। बट हैबिट, अब वो इनटू बोलने की हमारी आदत अब हमें काम आएगी। देख लो, टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, चलो शुरू करो, वन अपॉन वन प्लस जिसका भी टैन इनवर्स है उसका स्क्वायर, यानी एक्स रेस टू फोर का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, यहाँ एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर आया, यहाँ एक्स रेस टू फोर है तो उसका स्क्वायर आएगा। इन टू अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इन टू जिसका भी टैन इनवर्स है उसका डेरिवेटिव। सो जिसका भी टैन इनवर्स है उसका डेरिवेटिव, किसका है टैन इनवर्स एक्स रेस टू फोर का, उसका डेरिवेटिव थोड़ी वन आता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है फोर इन टू एक्स रेस टू फोर माइनस वन। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव यही आता है ना, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब खत्म हुआ, इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स। सो गाइज ये स्ट्रक्चर याद रखना था कि टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस जिसका भी टैन इनवर्स है उसका स्क्वायर इंटू जिसका भी टैन इनवर्स है उसका डेरिवेटिव। सो वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू फोर का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव फोर इंटू एक्स रेस टू फोर माइनस वन यानी थ्री इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन है। तो अब ये इंटू वन हमने यहाँ नहीं लिखा, वो चल गया, बट ये लिखना जरूरी था। सो देख लो अब क्या मिला आपको, फोर फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस, है ना, वन इंटू फोर एक्स क्यूब इज वॉट फोर एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स रेस टू फोर का स्क्वायर, लॉ ऑफ इंडाइसेस ए रेस टू एम रेस टू एन। सो ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है एम एन एम एन एम एन, सो फोर इंटू टू एट, देखो आ गया हर चीज़ आ रही है। देखो वन अपॉन एक्स रेस टू एट आ गया है, वन वन प्लस एक्स रेस टू एट आ गया है। सो फोर एक्स क्यूब इंटू वन फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस फोर इंटू टू एट एक्स रेस टू एट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस अब जो चाहिए उसको, आपको डी एक्स चाहिए तो डी एक्स को इधर ले लो, बट आपको सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एट चाहिए, बराबर। तो आपको सिर्फ इतना चाहिए, ये यहाँ पे फोर एक्स्ट्रा है तो कुछ नहीं, फोर को उधर शिफ्ट करो, मतलब ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एट इंटू डी एक्स, डी एक्स इधर आ गया और फोर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा डी टी बाई फोर। खत्म, खेल खत्म दोस्तों। साइन तो खैर एज इट इज है, साइन के अंदर जो टैन इनवर्स एक्स रेस टू फोर इसके जगह टी आ जाएगा, और ये इस पूरे टर्म के जगह, ये पूरे टर्म के जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई फोर। सो देखो साइन, ये साइन एज इट इज खाना मत, ये हो गया टी और ये पूरा हो गया डी टी बाई फोर। सो वन बाय फोर बाहर ले लो, वन बाय फोर क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन को अटैच है बाहर, साइन टी, साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। नाउ साइन टी का क्या होता है, वन बाय फोर एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन चल रहा है बात, साइन टी का डेरिवेटिव भले ही कॉस्ट टी हो बट साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस्ट टी होता है, ये हम पहले लेक्चर से देख रहे हैं, माइनस
कॉस टी प्लस सी, खेल खत्म। 1/4 माइनस, अब देखो पहली बात तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, और कॉस टी, सो कॉस ऑफ टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है ये टेन इनवर्स एक्स रेस टू फोर प्लस सी, क्लियर। 1/4 एज इट इज, साइन टी का माइनस कॉस टी बराबर ना, साइन टी का माइनस कॉस जो एंगल है वो तो टी है, तो टी अपॉन टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी वन है, इसलिए अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सी, सो माइनस प्लस माइनस 1/4 कॉस ऑफ टी की वैल्यू प्लस सी, खेल खत्म। अब देखने दो भाई कितने लोगों का ये आंसर सही था, कितने लोगों का ये आंसर सही था, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू फोर, यस जीसी पांडे जी बिल्कुल सही है, अमीशा परफेक्ट है, माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स रेस टू फोर, यस आशुतोष अंजलि करेक्ट है, करेक्ट है, समीर बिल्कुल सही, समीर ने तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या, ठीक है, तो मस्त क्वेश्चन था ये, बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया। ठीक है, सो गाइज ये था अब आपका वर्कशीट नंबर 3, और जैसे मैंने कहा है ये वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 वर्कशीट 3 अभी तुरंत मैं 10 मिनट में बस अपलोड कर देता हूँ ग्रुप में, सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है बस वो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब ये दो क्वेश्चन जो रहेगा ना, चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो बस ट्राई करना एक बार, वो एक बार ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो कल के लेक्चर में हम पहले 5 मिनट में उसको डिस्कस करेंगे, बट खुद का भी थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, बहुत से लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया अप्रिशिएटेड, बट जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा तो घर पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, और नहीं होने पर भी टेंशन नहीं लेना है, कल पहले 5 मिनट में हम उसको डिस्कस करेंगे, ख़त्म करेंगे और अगली वैरायटी शुरू करेंगे, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वैरायटी होने वाली है अगली भी, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना, बट पहले ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे उसके बाद वो शुरू करेंगे हम कल, कल फिर से टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा, आज थोड़ा बाहर था, और इस तरह कुछ भी अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा यार, ठीक है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जनरली 8 बजे का हमारा टाइमिंग, अदरवाइज अगर कोई मैसेज नहीं आया तो 8 बजे का टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड, इन सारे चीज़ों के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल इस पे पिंग करो, उसका भी एक अलग ग्रुप बनेगा, उसका एक पेड बैच बनेगी लेकिन नॉमिनल फीस के साथ, बट पेड है वो बैच, तो जो भी एडवांस मैथ्स वाले प्लस 2 तक के स्टूडेंट टेंशन ना लो, आगे वाले स्टूडेंट कोई होंगे आपके रिलेटिव भाई बहन, या आप में से भी कोई इंटीग्रेशन रिवाइज करने आया होगा, लेकिन आप अगर कुछ और फील्ड में हो प्लस 2 से आगे निकल चुके हो तो पिंग मी, ठीक है गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड डे, चक दे फट्टे, क्या बात है संदेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, यस गुड नाइट, गुड नाइट डीसी पांडे जी, तुषार यस बाय, गुड नाइट भाई, चलो यस अमीशा वेरी गुड, यस आपका आपका पहले ही हो गया था, नाइस नाइस नाइस, चलो क्या बात है, आप लोगों के आंसर आ भी गए हैं, वेरी गुड, बस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो बाय गाइज़।